असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी की अंतिम सूची प्रकाशित होने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी इस मसले को विफल करना चाहती है ताकि विदेशी मूल के मुद्दे को जिंदा रखकर उसका राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री रहे तरुण गोगोई ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रिपुन बोरा और विधानसभा में विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया के साथ यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा कि जिन लोगों का नाम एनआरसी में नहीं शामिल है उनके पास इस सूची में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए विदेशी न्यायाधिकरण में अपील करने का क्या प्रावधान है। उन्होंने कहा, भाजपा नीत राज्य सरकार बार बार कह रही है कि जिन लोगों का नाम एनआरसी की सूची में नहीं है वे विदेशी नहीं है। यदि वे लोग विदेशी नहीं है तो उन्हें विदेशी न्यायाधिकरण में क्यों अपील करनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की चुप्पी पर भी सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत कुमार दास एनआरसी को खारिज कर चुके हैं। राज्य के मंत्री हिमंता विश्व शर्मा इसकी पुनर्सत्यापन की मांग कर चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल अभी तक इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। उन्हें लोगों को बताना चाहिए कि वो एनआरसी की अंतिम सूची को स्वीकार करते हैं या अस्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्य में विदेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान चलाने वाले प्रफुल्ल कुमार महंत पर भी हमला किया। उन्होंने कहा, महंत ने कहा था कि राज्य में 40 से 50 लाख अवैध विदेशी हैं और अब वो कह रहे हैं कि एनआरसी की अंतिम सूची से संतुष्ट हैं। इधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बोरा ने कहा कि जिन लोगों का नाम एनआरसी की अंतिम सूची में नहीं है उन्हें इसके लिए कारण बताना चाहिए। उल्लेखनीय है कि असम में एनआरसी की अंतिम एवं अद्यतन सूची शनिवार को प्रकाशित हुई जिसमें 3.11 करोड़ लोगों के नाम है जबकि 19 लाख लोगों के नाम इसमें शामिल नहीं है। धन्यवाद।